बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट हमारा सॉरी आज आर्टिकल आ रहा है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इनके ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, नाउ फोर्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये टाइप्स में से ही डिस्कशन हो रही है। दीज आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हाँ जी, सेट एज इट इज वही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही है। डेफिनेशन नोट करिए, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ। हमारा वही बॉक्स, यानी कि ये वाला बॉक्स हमने फाइनल डिसाइड करना है कि इसमें क्या क्या है। अगर कोई एलिमेंट इस तरह का पेयर वहां हो रिलेशन में, जाहिर है ये बात क्यों लिखी जाती है कि ये होते ही पेयर है सारे इस तरह के। एक पेयर यहाँ है, फिर अगला एक और पेयर है, इन पेयर्स का लिंक नोट करें। जिस जगह ये लास्ट एलिमेंट है उसी जगह उसका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये कोई भी पेयर है। जिस जगह ये खत्म हुआ, इसका लास्ट एलिमेंट आया सेकंड वन, वहीं से अगला शुरू हो और वो एंड जहां मर्जी हो, उसके बाद फिर ये दरम्यान से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट ये भी वहां होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर यहां कोई इस सारे बॉक्स में आप कहीं मिस्टेक नहीं निकाल पाते, यानी कि आप यही नहीं समझ पाते कि ये चीज ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप निगेट कैसे करेंगे। आपने निगेट करना है। इस बॉक्स को चेक करते हुए अब हमारे पास क्वेश्चन आना शुरू हो गए। आर वन एक रिलेशन लिखा हमने यहां से, वन वन यानी कि ये पांच एलिमेंट उठा के यहां से एक सबसेट लिखा। चेक करना चाहते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। नोट दिस स्टेप, वन वन, वन से शुरू हुआ, वन पे खत्म हुआ। अब जिस जगह ये खत्म हुआ वहीं से आगे स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, ये देखिए ये जिन पर रेड लगाया निशान गुड का, तो वो सेम एलिमेंट है, यानी कि जिस जगह ये खत्म हुआ वहीं ये शुरू हुआ। अब इन दोनों को ड्रॉप कर दें, ये जिन पर गुड लगा हुआ है, इसका फर्स्ट उसका लास्ट, जैसे ये बी ड्रॉप कर दिया, इसका फर्स्ट उसका लास्ट, वो वहां मौजूद होना चाहिए। चलिए जी, ये वन और ये टू, ये जिनको इस तरह अटैच किया आपस में, ये वहां होना चाहिए। वो क्या बनेगा, वन और टू, यानी कि किस तरह का पेयर बनेगा, वन और टू। जब हम इन गुड लगे हुए वंस को छोड़ देंगे, एरो वाले वन और टू को अटैच करेंगे, ये इस जगह होना चाहिए, तो ये खुद ही है, ये खुद ही मौजूद है। तो इस हवाले से ये बात पूरी हो गई। उसके बाद आगे बढ़िए, वन 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 टू की बात खत्म हो गई, और कोई नहीं। अब आइए यहां पे, फिर वन टू, वन टू, टू से शुरू होने वाला ये फिर से गुड लगे आगे, वन और टू, टू और आगे, ये दोनों आप छोड़ दें, बाकी क्या बचा, ये पहला, ये आखिरी, ये बना वन और वन, ये यहां होना चाहिए इसी रिलेशन के अंदर, वो ये रहा। आगे बढ़े, ये देखिए वन टू, ये एक और टू से शुरू होने वाला है, वन से शुरू हुआ, टू पे खत्म हुआ, तो ये टू से ये शुरू हुआ, ठीक है, और अब टू से एक और शुरू होने वाला है, ये देखिए उसको भी चेक करें, वन टू टू थ्री, तो क्या होना चाहिए, वन और थ्री। अब ये जिन पर डबल गुड लगाया ये वाले, ये दोनों छोड़ दिए जाएंगे ऐसे, बाकी क्या बचेगा, वन और थ्री, ये वहां होना चाहिए, वो वहां नहीं है। इस सारे रिलेशन में ये वाला एलिमेंट वन थ्री यहां मौजूद नहीं है, इसलिए रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बाकी कहानी आपके सामने, ऐसे वन टू टू थ्री, बट वन थ्री डजेंट बिलोंग टू आर, ये चीज जो अभी मैंने इधर समझाई है वो सारी नीचे लिख दी है उसकी रीजन बना के। आगे बढ़िए, आर टू इज ट्रांजिटिव, इसको आप चेक कर लें, वन टू, टू से शुरू होने वाला ये है, तो वन और थ्री ये रहा, टू से शुरू होने वाला है ये भी है, ये देखिए वन टू, टू से शुरू होने वाला ये भी है, तो फिर इसका वन उसका फोर क्या बनेगा, वन और फोर, वो ये रहा। इस तरह से आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं।
जितने भी हैं, यानी कि अगर ये टू पे खत्म हुआ ना तो टू से शुरू होने वाले जितने भी हैं वो सब नोट करने हैं। अब आगे देखिए टू थ्री थ्री फोर, तो ये टू और फोर वो रहा, ऐसे आपको सारी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आर थ्री इज ट्रांजिटिव, ये जरा समझने वाली बात है कि जिस पर स्टेरिक लगाया ये हमें ट्रबल क्रिएट करती है चीजें, यानी कि वो बातें डिस्कस हो चुकी। इट इज एन इंपॉर्टेंट वन, टू वन ये ट्रांजिटिव कैसे है, बात वही आ गई, ये वाला बॉक्स, यानी कि हम निगेट नहीं कर पा रहे, हम वहां से कीड़े नहीं निकाल पा रहे कि यार वो गलती कैसे निकालनी है, कोई ना कोई गलती प्रूव करेंगे तो कहेंगे ना कि इस वजह से ये निल हो गया, खत्म होगी बात, हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, कोई बात तो निकाले, बिला वजह तो नहीं कि बात कोई भी नहीं निकल रही, अब हम कहें नहीं कि हमने होने नहीं देना इसको, चलेगी निकाले गलती। टू वन, वन से शुरू होने वाला ढूंढे नहीं है, यानी कि पहले आपकी यही बात नहीं पूरी हो रही, ए बी, बी से शुरू होने वाला तो लेके आए पहले, उसके बाद ही फिर फर्स्ट और लास्ट को देखना है कि वो वहां है या नहीं, जहां ये खत्म हुआ वहां से शुरू होने वाला इतना हिस्सा तो पूरा करे, ये वाला हिस्सा, फिर अगली बात होगी, ये देख टू वन, वन से शुरू होने वाला है ही नहीं, इट मीन्स वी कांट चेक इट। आगे है थ्री वन, फिर वन से शुरू होने वाला नहीं है, टू फोर, फोर से शुरू होने वाला आगे नहीं है, थ्री फोर, फोर से शुरू होने वाला नहीं है, वी कांट चेक, जब हम चेक नहीं कर सकते तो भाई हम उसको निगेट कैसे कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि वी कांट चेक, जब एक चीज की चेकिंग ही नहीं हो सकती तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये है या नहीं। एक बच्चे को, बंदे को बुखार चेक करना है, हमारे पास थर्मामीटर तो है नहीं, हम कैसे कह दें कि ये बुखार है या नहीं, यानी कि कोई चेकिंग का रास्ता ही नहीं है, उसको जवाब कैसे दें, अब हाँ या ना तो नहीं कह सकते। तो यही चीज है कि चेक करने की मशीन जो मौजूद है, जो टूल मौजूद है, वो टूल तो पूरे करें, फिर उसकी अगली बात करें, वो टूल ही पूरे नहीं है, इसलिए आंसर है वी कांट चेक। अब कांट चेक का मतलब ये तो नहीं कि हम डिक्लेयर कर दें कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, या तो डिक्लेयर करने के लिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट दें, प्रॉपर रीजन दें, अदरवाइज यू कांट से दिस। सिमिलरली ये एम्प्टी सेट है, सो इट इज ट्रांजिटिव, आप चेक नहीं कर पा रहे, वो सारा कुछ पूरा करें। इसी तरह से एक और रिलेशन मैं लिख देता हूं, से बुक पर भी दिया हुआ है, ये रिलेशन है कांट नॉट ट्रांजिटिव, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव, इसको निगेट नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपर्टी नहीं पूरी हो रही, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यही चीजें आर फाइव है, यूनिवर्सल रिलेशन तो ट्रांजिटिव होता ही है, उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, वो सारे एलिमेंट पूरे कर जाते हैं। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिकल ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख के, ताकि पुराने वाले सारे रिवाइज हो जाए। चेक वेदर द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो अब तक हमने चार चीजें पढ़ ली है वो सारी चेक की जा रही है। चलिए जी, सोल्यूशन रिफ्लेक्सिव है, आंसर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, वजह रिफ्लेक्सिव के लिए ये चारों होने चाहिए थे, वहां पे कोई भी नहीं है, चारों होने चाहिए थे, एक आध भी मिस हो जाता तो रिफ्लेक्सिव ना होता, यू हैव द रीजन। नॉट सिमेट्रिक, किस वजह से सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक को खत्म करने का एक ही वे है, उसमें अगर वन फोर के ही है फर्ज करें तो उसका उलट पेयर अगर वहां नहीं है तो बस वो सिमेट्रिक नहीं है, ये वन फोर मौजूद है, फोर वन वहां नहीं है, खत्म हुई बात। मजीद भी है, ये देखिए टू थ्री वहां है लेकिन थ्री टू उसकी जगह बदले को नहीं है, इसी तरह ये टू फोर, फोर टू, आप कोई एक रीजन बता देंगे तो तीन रीजंस हैं, दैट्स ऑल, ये आपको सिमेट्रिक प्रूव करने का हल। अगर किसी को ये सिमेट्रिक का नहीं पता तो सिमेट्रिक वाला अब लेक्चर पढ़ लें, सिमेट्रिक पर अलग लेक्चर है, एंटी सिमेट्रिक पर अलग लेक्चर है, रिफ्लेक्सिव पर अलग है, तो सारे पढ़ के आ जाए। हाँ जी, तीसरा है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होने के लिए फिर नॉट एंटी सिमेट्रिक, क्यों, वन थ्री भी मौजूद है, थ्री वन भी मौजूद है, जगह बदली, ये दोनों मौजूद है लेकिन वन और थ्री बराबर तो नहीं है, कोई एक भी नॉन इक्वल एलिमेंट का पेयर वहां मौजूद हो
उससे उसकी एंटीसिमेट्रिसिटी खत्म हो जाती है। सो हम कह सकते हैं नॉट एंटीसिमेट्रिक। सो सिमिलरली नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 वहां है, ये देखिए 1 3 और उसके बाद 3 से शुरू होने वाला भी ये पेयर अवेलेबल है, 3 से शुरू होने वाला ये पेयर अवेलेबल है, उसके बाद पहला 1 और वो 1 1 1 वहां नहीं है। इसी तरह 1 4 तो है जब हम उसको आखिरी से अटैच करेंगे, लेकिन 1 और 1 इस पेयर से नहीं मिलेगा, तो इस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद एक ये जनरल सा क्वेश्चन है जो बार बार ज़हरा आएगा, जनरल एप्लीकेशन हमारी लाइफ कॉमन लाइफ के भी सवाल आएंगे और एप्लीकेशन का वर्जन ज़हरा इन चीज़ों को साथ साथ हैंडल करेगा। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इन पे कमेंट करना है। सिस्टरहुड रिलेशन, 2 सिस्टर्स हैं 3 सिस्टर्स हैं, क्या वो ये ट्रांजिटिविटी होल्ड करेगा? अब अगर ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर है, सी डी की सिस्टर है, जिससे खत्म हुआ वहीं से आगे चला, तो बी और डी भी आपस में सिस्टर्स होंगी। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी भाई होंगे। मदरहुड रिलेशन देखें तो अगर ए बी सी की मदर है, सी आगे डी की मदर है, तो क्या बी भी डी की मदर है? नो, वो तो नानी हो सकती है, मदर तो नहीं होनी, तो वो रिलेशन मदरहुड का ट्रांजिटिव नहीं है। पैरेलल लाइंस का रिलेशन है, ये यूं समझ लें आपके पास ये लाइनें हैं, 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, फिर ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसे तो फर्स्ट लाइन लाजमी तीसरी के पैरेलल होगी। इस तरह से ये पैरेललिज्म ऑफ द लाइंस। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 आगे L3 के पैरेलल है इस तरह से, तो फिर लाजमी L1 और L3 भी पैरेलल होगी। यस, अगर परपेंडिकुलर की बात करें, ये देखिए ये 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये इसके परपेंडिकुलर, अब आगे ये फर्दर इसके परपेंडिकुलर है, ये ले ऐसे किसी भी तरफ को ले जाएं, ये परपेंडिकुलर ही बनेगी। क्या ये वाली इसके परपेंडिकुलर होगी? ये इसके परपेंडिकुलर, ये आगे इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली और ये वाली तो पैरेलल नजर आ रही है, ये देखें, ठीक है ना, इसलिए ये परपेंडिकुलरिज्म का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी जाहिर है सब ठीक है, अब तक का काम जितना हो चुका। अगर कोई इशू है तो जरूर वी आर वेलकम ऑलवेज फॉर सॉल्विंग द इशू, अदरवाइज फॉर गुडनेस ऑफ दिस वीडियो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।